हेलो अक्षय भाई, कैसे हो? मैं बढ़िया भाई, आप बताइए क्या हाल चाल। भाई मैं भी बहुत ही बढ़िया। एंड आपको दोबारा से हमारे दी यंग पॉडकास्ट के सेट पे देख के बहुत ज़्यादा खुश। थैंक यू सो मच एक बार दोबारा बुलाने के लिए। जी भाई, एंड आई एम वेरी एक्साइटेड क्योंकि आप जब भी यहाँ पे आए हो हमने ज़बरदस्त कंटेंट दिया है लोगों को। आई होप कि और भी ज़्यादा ज़बरदस्त हम आज करने वाले हैं। भाई मैंने आपके कुछ और पॉडकास्ट देखे क्योंकि अभी आप ट्रेंड में चल रहे हो डेफिनेटली। और एक चीज़ मैंने कॉमन पाई सभी में कि जब भी आप कहीं गए हो ना, आपके साथ कुछ ना कुछ अनयूजुअल हुआ है। बिल्कुल। जैसे मैं अपने साइड की अगर बात करूँ, हमारा जो पिछला जो पॉडकास्ट आया था उसमें ड्यूरिंग द पॉडकास्ट हमारा ग्लास टूटा था। बिल्कुल। और ऐसे कुछ इंसिडेंट्स आपके बाकी और जो पॉडकास्ट चैनल्स हैं उन पर गए तब भी हुआ है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ सबसे पहले कि भाई ये जस्ट एक कोइंसिडेंस है या सच में कुछ चीज़ें हैं जो आपके साथ हो रही हैं? भाई देखो, मेरे साथ ना स्टार्टिंग से ये चीज़ हो रही थी। मैंने एक्सपीरियंस भी किया था और मेरे साथ जब मैं गुड़गांव लोकेशन पे गया था, मैंने बताया अभी था काफ़ी पॉडकास्ट पर मैंने बताया, तो वहाँ पे मुझे फील हुआ था कि मेरे साथ कोई चीज़ आ गई है जो मुझे अपने घर में भी फील हुई थी। मेरा तो सिंपल सा मैं आपको बताता हूँ, हर इंसान से ना कोई गलती होती है। मैं हर इंसान को बोलता हूँ, अगर आप कभी भी इस फील्ड में आना चाहते हो ना, कभी ये गलती मत करना कि मैं जाके लोकेशन एक्सप्लोर करूंगा। आप जब तक इन चीज़ों को नहीं छेड़ रहे, हर कहीं पे आप यही सुनोगे, जब तक आप इन चीज़ों को नहीं छेड़ रहे ये खुद से आपके पास नहीं आएंगी। लेकिन अगर कोई आपके ऊपर इन्हें छोड़ रहा है तो ये आपके पास से नहीं जाएंगी, फिर आपको क्योर करवाना पड़ेगा। और लोग ये भी कहते हैं कि ज़्यादातर केसेस में जहाँ पे मतलब तगड़ा ही काम किया गया तो जिसने छोड़ा है ना वही उसको क्योर कर सकता है पूरी तरह से। तो नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, अगर कोई चीज़ आपके ऊपर छोड़ी गई है तो दूसरा जो बंदा है ना, दो तरीके होते हैं भाई इसे रिजॉल्व करने के। या तो वो जिसने छोड़ा उससे फाइट करेगा कि वो यहाँ से भगाएगा तो उसकी चीज़ उसके पास जाएगी, फिर वो और बड़ी चीज़ छोड़ेगा, फिर यहाँ से आप और बड़ी चीज़ छोड़ोगे तो आपस में तांत्रिक जो होते हैं दोनों में लड़ाई होगी और बीच में पिसेगा कौन, जिसके ऊपर हो रखा है जो सब्जेक्ट है। हाँ, बात यह आती है कि एक दूसरा तरीका जो होता है वो होता है समाधान। अभी कुछ फील हुआ मेरे को पीछे ऐसे दीवार पर, अचानक से ऐसा लगा कुछ हिला है। है ना लगा ना। देखो चलो साइड वाइड में घर है तो कुछ हो रहा होगा, पॉजिटिव ही लेते हैं। हाँ हाँ, मेरे को भी आई थी, मैंने ध्यान नहीं दिया उस चीज को, ऊपर से भी आई थी उधर से भी आई थी। ऊपर से चलो वो वही ऊपर भी लोग रहे हैं, क्लिकिंग नॉइज नहीं है वो, ऐसा था जैसे किसी से क्रैक नहीं पड़ जाता। हाँ, कर रहा वैसा वैसा। हाँ अरे भाई क्या बहुत ज्यादा साउंड नहीं है, क्लियर आवाज आज तक नहीं आई है भाई। चलो हम कंटिन्यू करते हैं। तो किस बार में बात चल रही थी भाई? आप बता रहे थे कि आपने कुछ गलतियां की हैं, आप लोकेशंस पे गए हो। हाँ, तो मैं यही बता रहा था कि जब आप लोकेशन पे जाते हो तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है कि भाई आप कहीं पे कोई ना कोई गलती कर दोगे, किसी ना किसी चीज़ को छोड़ दोगे। तो मैं समाधान के बारे में बता रहा था कि पहला तो ये हो गया कि दोनों तांत्रिक आपस में लड़ते हैं। दूसरा तो जो सॉल्यूशन होता है वो होता है कि एक तांत्रिक जो होता है ना वो एक स्थान निकालता है और उस स्थान पे उस चीज़ को छोड़ देता है, तो वो अपना रास्ता खुद ढूंढ लेती है। जैसे मैक्सिमम नंबर्स में आप क्या देखते हो कि टोटके रोड पे छोड़ दिए, वो होते हैं किसी के ऊपर बला उतारनी। लेकिन अगर आप शमशान में छोड़ के आए हो, कुछ ऐसी जगह होती है जहां से ये चीजें अपना रास्ता खुद ढूंढती हैं। तो हमारा कोशिश यही रहती है कि भाई अगर कोई ऐसी चीज आ रही है तो उसके लिए हम स्थान निकालें, लड़े ना, दूसरे तांत्रिक से हमारी भिड़न ना हो, जिसकी वजह से बीच में जो बंदा बैठा है वो परेशान हो कि उधर से कोई बहुत बड़ी चीज आ गई, इधर से कोई बहुत बड़ी चीज आ गई। तो मतलब भाई इन चीजों को छेड़ो मत, सीधा साधा मतलब यही है सॉल्यूशन। देखो, हम तो छेड़ने वाले पता कब बनते हैं, जैसे अभी जो केसेस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं कि कोई बंदा ड्रिंक कर रहा था और उसने क्या करा, कहीं जाके टॉयलेट कर दिया, वहाँ से वो चीज़ आ गई, किसी पीपल के पेड़ के नीचे कर दिया, क्योंकि जब इंसान ड्रंक होता है तो वो ये नहीं देखता वो कहाँ कर रहा है, कहाँ कर रहा है। उसके बाद दूसरे जो केसेस आते हैं, ये ऑडियंस के लिए सबसे बड़ा सबक है, अगर आपके घर से आपके यूज़ करे हुए, धुले हुए नहीं, यूज़ करे हुए कपड़े अगर गायब हो रहे हैं, आपके अंडर गारमेंट्स गायब हो रहे हैं, आपके पर्सनल हैंकीज गायब हो रहे हैं, या आपके घर में कोई आ रहा है और आने के बाद आपको लगता है कि आपको कुछ खिलाया जा रहा है, कुछ मीठा, ऐसी चीज़ जो आप चाहकर भी मना नहीं कर सकते, तो ब्लैक मैजिक के आप पूरे पूरे शिकार हो सकते हो। भाई एक बात मैं यहाँ पे शेयर करना चाहूँगा, करना तो नहीं था बट मुझे अभी ध्यान आया, लोगों ने देखा होगा मेरा कुर्ता। हाँ। एक ब्लैक कुर्ता पहना, वो कुर्ता मेरा गायब है। मैंने पूरा घर छान मारा, पूरा ये सेट छान मारा, लेकिन वो कुर्ता नहीं मिला है। हो सकता है कहीं यहाँ वहाँ गिर गया हो, बट मैं बस बता रहा हूँ और कुछ नहीं है।
मेरा मेरा भी आपसे क्वेश्चन है विकास भाई, आप बताओ। चलो ठीक है, आपका ये फ्लैट बंद रहता है, मैं यहाँ पे फर्स्ट टाइम आया हूँ। आप इमेजिन करो कि आपकी कोई चीज रखी हुई है, ठीक है, आपको याद है यहाँ रखी हुई है। आपको पता है इस फ्लैट में कोई भी आता जाता नहीं है, मैं कुछ कुछ रिस्ट्रिक्टेड लोग हैं आपकी टीम के मेंबर, कोई लड़का कोई लड़की कुछ टीम मेंबर। अचानक से ना आपका यूज करा हुआ सामान गायब हो जाता है, आपके दिमाग में सबसे बड़ा क्वेश्चन क्या आएगा, कहाँ जा सकते हैं यहाँ से? मेरे दिमाग में तो ये हो सकता है कि भाई जो जैसे मेरे मैनेजर है विशाल, कि हो सकता है उन्होंने ले लिया हो, उन्होंने पहन लिया हो, पहनने के लेकिन वो बता के लेंगे, लेकिन वो बता के लेंगे तो वही चीज है। क्योंकि हमारे पास ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि कोई हमारे नून में आए थे और वो हमें खाने का दे के चले गए। अभी जैसे मैं आपको बहुत सारी ऐसी वशीकरण की चीजें बताऊंगा जो अनबिलीवेबल स्टोरीज हैं भाई। एक मूवी भी आने वाली है वशीकरण, वो वशीकरण से रिलेटेड शैतान। देखो वो एक ऐसी चीज है ना जो रियलिटी दिखाई जा रही है। देखो इंडिया में हॉरर के ऊपर बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेट किया नहीं जाता, इंडिया में इतनी ज्यादा अच्छी हॉरर मूवीज बनती ही नहीं है, ठीक है। जो शैतान मूवी आ रही है मेरे हिसाब से उसमें थोड़ा दिखाया जाएगा ब्लैक मैजिक का इफेक्टिव तरीके से कैसे यूज किया जाता है। जी भाई, अच्छा भाई आपके खुद के टॉपिक्स पे आते हैं, आपका जो चैनल है अक्षय वशिष्ठ नाम से, उसमें आप रियल सब्सक्राइबर स्टोरी शेयर करते हो। बिल्कुल। तो अभी आपके पास नई नई स्टोरीज आई होंगी, तो कोई तड़कती फड़कती स्टोरी बताओ कि हमारे रोंगटे खड़े हो जाएं भाई। बिल्कुल भाई, मैं आपको बताता हूँ। पहली बात तो मैं स्टोरीज नहीं बोलूंगा, रियल इंसिडेंट। रियल इंसिडेंट, क्योंकि मेरे वो बहुत प्यारे सब्सक्राइबर है, मेरे लिए बहुत बड़ी ऑडियंस है, मेरे लिए सब कुछ वही है जिन्होंने मुझे बनाया है, जो मुझे वो बना रहे हैं। 70-80-95-97% उनके इतने प्यारे कमेंट्स होते हैं जो हमें मोटिवेट करते हैं। अभी मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ, ये 2013 का इंसिडेंट था जो हमें वसीम ने शेयर किया था। वसीम जो कि दिल्ली के रहने वाले थे, लेकिन जब भी उनके कहीं भी छुट्टियां पड़ती थी, कुछ भी होती थी, तो वो अपने झारखंड झांसी के पास एक जगह है, वहां पर उनके नाना रहते थे 2013 से। तो वहां पर वो जाते थे अपने नाना के पास, और वो अपने नाना के बहुत ज्यादा खास थे, इतने खास थे कि उनके नाना ना हमेशा बस वेट करते थे कब वो पोता आएगा। जैसे होता है ना घर में पोता पोती नाता नाती, वो आएंगे तो फिर बहुत ज्यादा एंजॉय करेंगे। जैसे बोलते हैं आप बुजुर्गों को स्ट्रिक्ट देखते हो, लेकिन बच्चों के साथ वो घोड़ा भी बन जाते हैं, ऊंट भी बन जाते हैं, कुछ भी बन जाते हैं, ऐसा वाला सीन था वसीम बच्चों के साथ, बच्चे बन जाते हैं। बिल्कुल। तो वो ये जब भी छुट्टी होती थी वसीम की, वसीम पहुंच जाता था। अब इनके जो नाना थे ना, वो वसीम के जो नाना थे वो तांत्रिक ओझा थे, और पार्ट टाइम में उनका साइकिल रिपेयरिंग का काम था। जैसे आप देखते हो ना कि कोई है इंसान तो वो जॉब भी कर रहा है कोई, और साथ में तांत्रिक विद्या उसको सिद्धि मिली हुई है, क्योंकि वो कभी भी उस चीज का चार्ज तो नहीं करता। उसके दिमाग में होता है मैं जितनी ज्यादा फ्री हो सकता है हेल्प करूं लोगों की, पैसा मैं वहां से कमाऊं। तो उनके नाना को ना अलग अलग जगह से बुलाया जाता था कि जैसे किसी के घर में भूत प्रेत की बाधा आ गई, तो झांसी झारखंड में 2013 में पहली बार उन्हें बुलाया जाता है एक ऐसी जगह पे। केसेस तो बहुत आते थे, लेकिन उन्होंने बताया पहली बार रात के टाइम पे, रात के बीचों बीच उन्हें किसी ने इन्फॉर्म करा कि उनको आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और उनके घर में एक्चुअली होता क्या था ना, जिन्होंने बुलाया था उनके घर के ऊपर से जो टीन थी उसमें से ब्लड ड्रॉप्स टपकती थी भाई, खून टपकता था उसमें से रात को उन, और दिन में कुछ नहीं होता, दिन में कुछ नहीं, रात को क्या होता था खून टपकना शुरू हो जाता था वहां से टीन पे से। जो गांव के लोग है वो थोड़ा सा रिलेट कर पाएंगे, टीन जो होती है एक लेयर होती है, कुछ लेयर्स होती हैं। तो इनके नाना ने सोचा कि यार क्या ही होगा, ज्यादा से ज्यादा कोई जानवर मरा होगा, जाके देख लेते हैं, कुछ अटका होगा बीच में, वो नहीं देख पा रहे होंगे। केसेस बहुत सारे आते थे, लेकिन ये एक ऐसा केस था कि रात को उनको जाना था। ये जाते वहां पर साइकिल पे अपनी, और वहां पे जाके देखते हैं कि एक्चुअल में ब्लड ड्रॉप्स टपकने लग रही है। ये क्या करते हैं, उनका रिएक्शन देखते हो सब बहुत घबराए होते। एक फैमिली थी जो ठीक ठाक थी, ये बगल वाली जगह पे जाते तो पहले पुरानी सीढ़ियां होती थी लकड़ी की, जैसे आप देखते हो ना उस पर चढ़ चढ़ के वो ऊपर जाते, टीन पे चढ़ तो नहीं सकते, जो दीवार पे लगा के, टीन पे चढ़ तो नहीं सकते, बाउंड्री पे जाके देखते हैं कि यार कुछ भी नहीं है यहाँ पे, लालटेन से देखते हैं कि कोई ना तो यहाँ पे जानवर मरा है, कुछ भी नहीं है। तो ये क्या करते हैं, समझ जाते हैं कोई ऊपरी चक्कर है। तो ये वापस आते नीचे, अपने साथ सामग्री लेके आए थे, और वहां पर कुछ छोटी मोटी पूजा यज्ञ वगैरह करना स्टार्ट कर देते हैं। तो इन्हें पता चलता है कि इनकी इस फैमिली के ऊपर किसी ने बहुत बुरा टोटका छोड़ रखा है, और एक बुजुर्ग एंटिटी छोड़ी हुई है, बुजुर्ग जो बहुत ज्यादा एजिड है वो छोड़ा हुआ है किसी ने। जब अंतिम संस्कार हो रहा था तभी उसको किसी ने पकड़ लिया था, उस बुजुर्ग आदमी को। जैसे बोलते हैं ना कि शमशान में आपको जब बॉडी जलती है तो उसका स्कल नहीं छोड़ना चाहिए, स्कल नहीं छोड़ना चाहिए, और उसको फोड़ देते हैं, वहीं पे रहते हैं लोग।
हाँ वहीं पे रहते हैं, तो कभी कभी कुछ लोग होते हैं जिन्हें नहीं पता होता उन्होंने उस बुजुर्ग का स्कल छोड़ दिया था, तो वो किसी तांत्रिक ने उसे सिद्ध कर लिया और ब्लैक मैजिक के लिए उस फैमिली के ऊपर छोड़ दिया। तो ये जो उनके नाना थे वसीम के, इन्होंने क्या करा उसे बोतल में कैद करके अपने साथ लेके आ रहे थे रास्ते में। तो रास्ते में क्या हुआ, आते टाइम उनकी साइकिल का जो पीछे वाला टायर था वो ब्लास्ट हो गया। अरे भाई, उन्होंने पीछे मुड़ के देखा कहीं बोतल तो नहीं खुली, तो बोतल नहीं खुली थी। थोड़ा सा उन्होंने गहरी सांस ली। घर तक आते आते उनके नानों को रियलाइज हो गया था कि ये जो एंटिटी है ना, ये वो एंटिटी है जैसे शेर को सवा शेर मिल जाता है ना, कि मेरी टकरार किसी बहुत तगड़ी चीज से होने वाली है। ये आते हैं अपने कमरे में, जाते हैं उस बोतल को अच्छे से लॉक करके और धागे बांध के रख देते हैं। यानी कि उनको भी सोचने पर मजबूर कर दिया उसने। हाँ, कि मतलब भाई मिल गई कोई चीज टकराने वाली। वसीम उस दौरान वहीं गया हुआ था, वसीम अपने नाना का वेट कर रहा था रात को। तो उनके नाना वसीम को सारी चीजें बताते थे, क्योंकि उनका मानना था कि उनकी जो सिद्धि है ना वो वसीम के पास ट्रांसफर होने वाली है जब वसीम बड़ा होगा। बोलते हैं ना किसी के पास तो हमारी विद्या जाएगी। तो वसीम आता है, बोलता है नाना जी आप बहुत ज्यादा लेट हो गए, आज क्या हुआ? तो वो वसीम को बताते कि बेटा आज तक मेरी इतने ज्यादा बुरी किसी एंटिटी से सामना सामना नहीं हुआ था, मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये एंटिटी बहुत नुकसान करने वाली है। तो कैसे ना कैसे माहौल ढल जाता है। नानी तो थी नहीं, नाना थे घर में, और भी थे मामा मामी वगैरह सब, वो अपना रैप अप करके सो जाते हैं। उस रात उनके सपने में एक बुजुर्ग आदमी आता है, जो बहुत ज्यादा बुजुर्ग होता है, जिसका काला रंग होता है और अजीब सी आंखें होती हैं, बाल कुछ फटे वटे से होते हैं, कहीं से है कहीं से नहीं है, आधा मुंह कटा हुआ सा है, जला हुआ सा है। और वो नाना को बोलते हैं कि तू मुझे लेके आया ना, मैं तेरे परिवार के एक एक इंसान को एक एक करके तेरे सामने मारूंगा। अरे भाई, ये सपने में हो रहा है? ये सपने में बोला, और फिर बोला कि सबको तू मरते देखेगा और फिर आखिरी में मैं तुझे मारूंगा। मतलब क्या, इससे बुरी मौत क्या हो सकती है? सबको आप मरता हुआ देख रहे हो, अपने पूरे परिवार को वंश को खत्म होता देखोगे आप। ये चीज वसीम को बताई जाती है कि वसीम ऐसे ऐसे हुआ मेरे साथ ऐसा हुआ। तो उनकी तरफ से वसीम को एक ट्रेनिंग दी जा रही थी कि वसीम को वो सारी चीजें बताई जाए कि कल को जब सिद्धि वसीम को मिले तो वसीम उन चीजों को अपने तरीके से हैंडल कर पाए। बोलते ना कि तांत्रिक भी अपने बच्चों को शुरू से ही उस चीज में ढालना शुरू कर देता है। अब ठीक है, अगले दिन क्या होता है, ये चीज वसीम को डिलीवर करते हैं। लेकिन जब नाना जी सुबह उठते हैं, वो देखते हैं कि वो जो बोतल में वो कैद करके लाए थे, वो बरामदे के बीच में वो बोतल रखी हुई है उनके घर के बीचों बीच, और वो बोतल खुली हुई है। और उन्होंने क्या किया था, उन्होंने तो बांध के उसे रखा हुआ था अपने कमरे में, अलग से रख दिया था उन्होंने, अपने कमरे में रखा था ताकि उनके पीछे से कोई हाथ ना लगाए, कुछ ऐसा ना हो, अपने कमरे में सेफ्टी से रखा हुआ था। पूरे घर परिवार को पता था ये ऐसा काम करते हैं, सिद्धि है इनके ऊपर। वो बोतल सुबह अपने आप घर के बीचों बीच खुली मिलती है, मतलब वो चीज घर में कहीं ना कहीं आजाद हो गई थी। अब जो सबसे मेन चीज है ना पूरी स्क्रिप्ट में, मतलब जितनी भी मेरे पास रिकॉर्डिंग है, इस स्क्रिप्ट में क्या है कि वो जो एंटिटी थी ना वो अपने आप को हाइड करना बहुत अच्छे से जानती थी। यहाँ पे भाई एक चीज मिसिंग है, उन्होंने बोतल रख दी थी, फिर उनके सपने में चीज आई जो आपने बताया, तो बोतल खुली कैसे और वो बरामदे में कैसे है? भाई मैं आपको बता देता हूँ, किसी ना किसी का हाथ होगा उसमें। नहीं, तो किसी का हाथ नहीं होता, कभी कभार ना हम कुछ एंटिटीज को बहुत कमजोर मान लेते हैं, वो हमारे हाथ में होती ही नहीं है। जैसे आप अगर किसी ऐसी एंटिटी को जो आपसे बहुत ज्यादा पावरफुल होगी ना, आप उसे बांध के रखोगे वो खोल लेगी, अपने रास्ते खुद बना लेते हैं। अच्छा, तो हम इस तरीके से सोच रहे कि उस बोतल को खोल दिया गया हो, लेकिन ऐसा नहीं था कि किसी ने खोला हो, क्योंकि मैंने उस लाइन को बोला था कि पूरा परिवार जानता था ये काम करते हैं। दैट मींस कि कोई पंगे नहीं लेने वाला इस चीज से। नाना जी ने इसलिए अपने पास उनके रूम में भी नहीं जाते होंगे भाई जल्दी से, क्योंकि उनका कुछ था अपना ही जिसमें वो सामग्री वगैरह रखते थे। अब नाना जी इस चीज को देखकर बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे कि भाई ये चीज आजाद हो गई है। लेकिन जहां पे मैंने बोला ना वो एंटिटी छुपाना अपने आप को बहुत अच्छे से जानती, क्योंकि नाना ने अपनी सिद्धि से प्राप्त देखा कि कहीं आसपास वो आया तो नहीं, उन्हें नहीं दिखा, तो उन्हें लगा कोई चीज थी वो चली गई। अच्छा, कुछ दिन बीते, धीरे धीरे उनके एक लड़का था, उसकी वाइफ की डिलीवरी होने वाली थी। तो क्या हुआ, डिलीवरी से जस्ट दो दिन पहले वो जो बुजुर्ग आदमी उनके सपने में आके बोलता है, इस डिलीवरी से तेरे घर में मौत का आरंभ होगा। यानी कि जो बेबी आने वाला है उसके रूप में आएंगे वो? नहीं, ऐसा कुछ, वो जो स्पिरिट थी वो आके बोलती है कि अब तेरा वंश कटना शुरू। अच्छा अच्छा, अब से शुरुआत होगी। यस, अब आरंभ होगा मौत का। अब नाना जी बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, और ये परेशानी मामा जी भी देख रहे हैं जिनकी वाइफ की डिलीवरी होने वाली है, कि ऐसे ऐसे ये जो है नाना जी जो है परेशान होना शुरू हो गए। तो वो पूछते भी है कुछ है क्या ऐसा कुछ आपके दिमाग में चल रहा होता है? नहीं नहीं, अपना सब बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। एस्टिमेटेड डेट पर डिलीवरी होती है और जो बच्ची आती है जन्म लेके, वो बच्ची पेट से ही मरी हुई निकलती है भाई।
ये उनके घर में फर्स्ट डेथ, पहली मौत, ठीक है। जो मामा जी थे वो समझ जाते कि नाना की हरकत की वजह से ये हमारे घर में परिवार में हो रहा है, वो उन्हें बोल देते कि भाई हमें नहीं रहना आपके साथ, आप ऐसे ऐसे काम करते हो जिसकी वजह से हमारी बच्ची जो है मरी हुई निकली है। बहुत मुश्किल से बच्ची हुई थी, लेकिन इस तरीके से उनकी सडन डेथ हो जाती है कि बच्ची मरी हुई निकली है। मामी बहुत ज़्यादा शौक में थी, सब कुछ बहुत ज़्यादा बेड़ा गर्क हो गया था, मामा ने अपना घर परिवार अलग कर लिया कि मेरे को इनके साथ रहना ही नहीं है। धीरे धीरे टाइम बीतता रहता है, वसीम जो है दिल्ली की तरफ वापस आ जाता है, वो बीच बीच में जाता रहता है, कभी जैसे 2013-14 में पहला इंसिडेंट हुआ, फिर धीरे धीरे करके आगे इंसिडेंट बढ़ने लगते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। अब वसीम जो बता रहा है मेरे को, वसीम इतना ज़्यादा टेंशन में था कि बार बार वो बताते बताते ना जैसे होता ना घबरा जाते हैं कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, नाना ने इतनी बड़ी गलती क्यों की, नाना को अगर पता चल गया था तो उसका क्योर क्यों नहीं करवाया। इसके बाद क्या हुआ, उनके फिर एक दूसरे बच्चे की जो लड़का था उसकी शादी थी, तो शादी के दौरान क्या हुआ, उनकी जो बुआ थी वसीम की, वो आ रही थी शादी अटेंड करने के लिए, वसीम भी उस टाइम पे वहीं गए हुए थे, झांसी झारखंड के पास की ही बात है। तो जो बुआ आ रही थी उनके अंदर एकदम से उनके पितरा आ गए, नाना के मम्मी पापा जो 1975-70 में गुजरे थे, वो बुआ के अंदर आ गए। तो बुआ वहीं पे शादी के घर के बाहर ही बेहोश हो गई, उन्हें अंदर लेके आए तो बुआ से पूछा क्या हुआ, तो बुआ ने बोला कि उनकी मम्मी आ गई थी बुआ के अंदर, नाना जी की मम्मी, तो वो आके बोलती है कि ऐसा है जो तू अपने साथ लेके आया था 2013 में, वो चीज़ पूरे वंश को ख़त्म करने वाली है, इसका क्योर करवा ले। तो नाना जी समझ जाते हैं आवाज़ से कि ये मेरी मम्मी है, तो वो बोलते हैं कि इसका क्योर कैसे करवा सकते हैं हम, क्या करें, आप पितर हो, आप हमारी सहायता करो। तो उसकी मम्मी बोलती है कि तेरे पापा और मैं भी इस चीज़ में कोई सहायता नहीं कर सकते, ये एंटिटी बहुत ही ज़्यादा पुरानी और बहुत ही ज़्यादा क्रूर है। वो इतनी पुरानी थी इसलिए वो शक्तिशाली थी या कोई और रीज़न था, क्या होता है, कैसे शक्तिशाली बनती हैं चीज़? देखो मैं बताता हूँ, जैसे पहले तो उस इंसान ने अपने जन्म जब उसका था, उसकी ज़िंदगी थी, तब बुरे काम करे, ठीक है, उस टाइम पे उसकी कैसे डेथ हुई ये नहीं पता, हो सकता है कि वो बहुत टाइम तक सड़ रहा हो, गल रहा हो, हॉस्पिटल में हो, कैसे उसकी मुक्ति हुई है कैसे नहीं हुई, मरने के बाद फिर किसी तांत्रिक ने उसे सिद्ध कर लिया, अब उससे कितने और उल्टे कर्म करवा रखे हैं, उससे उसकी प्रेत योनि और बढ़ती जाएगी। समझ गया भाई, ठीक है। अब क्या हुआ, वो जो बुआ थी उनके अंदर उनकी मम्मी आई और बोली कि ऐसे ऐसे इसको करवा ले ठीक, वरना बहुत हमारे वंश में दिक्कत होने वाली है। नाना बोलते हैं कि आप दोनों मदद करो, तो वो बोल देती है हमारे हाथ की बात ये है ही नहीं। इसके बाद क्या होता है, उनकी बुआ जो है बेहोश हो जाती है वहाँ पे, ये चीज़ बोल के एक आधे घंटे बाद उनको होश में लाया जाता है, होश में आती है वो, तो उन्हें तो याद ही नहीं होता हुआ क्या है कि उनके अंदर उनके पितर आए थे। लेकिन जब उनके मामा और मामी की शादी हुई थी तो वो अपने आराम से एक सेपरेट घर में रह रहे थे जो दूसरे मामा मामी थे। कुछ टाइम बाद क्या होता है, मामा और मामी की ना बहस होनी शुरू हो जाती है बहुत ज़्यादा आपस में किसी ना किसी रीज़न से लेके, तो मामा बाहर जाते हैं और जब वो वापस घर में आते हैं ना तो वो देखते जो मामी थी उन्होंने खुद को फांसी लगा ली थी। अरे भाई, अब इस चीज़ का हल्ला मच जाता है बहुत बुरी तरीके से कि मामी ने खुद को फांसी लगा ली। तो मामा ने अपने इनको घर वालों को फ़ोन करा, फटाफट आओ इसने देखो फांसी लगा ली है। वो आते हैं देखते हैं, तो वो लड़की वालों को फ़ोन करते हैं कि ऐसे आपकी लड़की ने फांसी लगा ली। वो आते हैं जो लड़की के घर वाले होते हैं वो मामा के ऊपर एलिगेशन लगा देते कि इसने कुछ करा होगा, हमारी लड़की ऐसी नहीं थी। इस लड़के को पुलिस पकड़ के ले जाती है झारखंड पुलिस, मातम मन रहा होता है, इसको जेल में डाल देते हैं कि कार्रवाई बाद में होगी, पहले इंटरोगेशन होगा पूरा का पूरा। तो थोड़ी देर में झारखंड पुलिस से नाना जी के घर पे फोन आता है कि ऐसे ऐसे जिनको हम पकड़ के लाए थे उन्होंने खुद को फांसी लगा ली। अरे भाई, तो मतलब तीन डेथ हो चुकी है, डेथ हो चुकी है, दो लगातार हुई है, एक दो दिन के डिस्टेंस में हुई है। पहली मामी ने खुद को फांसी लगा ली, मामा को जेल में लेके गए, उन्होंने जो वॉशरूम के अंदर जाके खुद को जो लैटरिंग पॉट होता है इंग्लिश वाला उसके ऊपर खड़े हुए शर्ट बांधी और वो सीधा लटक गए। अरे भाई, झारखंड से पुलिस से फोन आया कि ऐसे उन्होंने फांसी लगा ली। अब वहां पे बहुत ज्यादा हल्ला मचा, ये न्यूज में भी आया कि ऐसे ऐसे पहले उन्होंने फांसी लगाई फिर उन्होंने फांसी लगाई। घर में बहुत ज्यादा कोहराम मच गया कि चल क्या रहा है क्या नहीं चल रहा। और ये सारा इंसिडेंट 2013 से स्टार्ट हुआ, 14, 15, 16, 17, उसके बाद अब ये सोच रहे कि किसका नंबर है। नाना क्या करते थे, जो सिद्ध इंसान होता है ना वो अपना इलाज नहीं कर पाता, नाना जी अपने नॉलेज में जो दूसरे तांत्रिक होते थे उन्हें बुलाते थे और घर को बंधवा लेते थे कि अब वो एंटिटी चली जाएगी। और वो एंटिटी शुरू से ही मैंने बताया ना इतनी शाणी थी कि वो अपने आप को कहीं भी छुपा लेती थी और किसी को पता नहीं चलता था। छुपाने में एक्सपर्ट थी। अब इसके बाद क्या होता है, दिमाग में चल रहा होता है कि नंबर अब किसका है। इस दौरान हमारे बताने वाले जो वसीम है इनकी शादी आती है,
वसीम की शादी झारखंड झांसी में होनी है, रहा वो दिल्ली में रहे। तो जब वसीम की शादी हो रही थी ना, वसीम को समझाया जाता है कि वसीम शादी के दौरान ना यहाँ सबसे ज़्यादा इंसिडेंट होते हैं, इस घर में वैसे ही कर्ज चल रहा है, तो अपने आप को थोड़ा बचा के रखना, रात को आप अकेले मत जाना। तो जब उनकी शादी हो जाती है रात को, वहाँ पर वो एक साथ नहीं होते मियाँ बीवी, लड़की अपने लड़कियों के साथ सो रही है, लड़का लड़कों के साथ सोता है। तो वसीम उठते हैं, उनको वॉशरूम जाना था, तो वसीम को बोला गया था, लेकिन वसीम के दिमाग में चल रहा था मैं बच्चा रह गया हूँ क्या कि किसी को उठाऊंगा, चल मेरे साथ वॉशरूम चल। तो वसीम वॉशरूम में जाते हैं, और वॉशरूम में जाके जब वो वॉशरूम यूज़ ही कर रहे होते हैं, यूज़ करके हाथ धोने के लिए हाथ धो के साइड में हटते हैं ना, तो कोई चीज़ उनके दोनों पैरों को स्ट्रेट खींच लेती है। स्ट्रेट खींचने का मतलब आप समझ रहे हो, जैसे पहलवानी में एकदम से पैर खींच लेते हैं ना, बंदे के पास रिएक्ट करने का मौका नहीं होता। वसीम सीधा मुंह के बल गिरते हैं, उनका सर फटता है और नाक फट जाती है। सुबह वसीम की आंख खुलती है तो उनको पट्टी हो रखी होती है पूरी। तो वसीम से पूछा जाता है कि क्या हुआ था, उसने बोला मुझे तो कुछ याद ही नहीं, अचानक से मेरे पैर खींच लिए किसी ने। वसीम का ये इंसिडेंट खत्म होता है और वो दिल्ली वापस आ जाते हैं। इसके बाद 2022-23 की बात है, जब अचानक से जो मामी थी, मामी की जो बड़ी वाली लड़की थी, जो सबसे बड़ी मामी थी उनकी, उनकी जो लड़की थी उसके ऊपर जो है फिर दोबारा कर्ज घूम के आते हैं। उनके साथ क्या होता है, जो मामी की लड़की थी ना उसके धीरे धीरे अचानक से अपने आप दांत टूटने शुरू हो जाते हैं, टूटने इन द सेंस गिर रहे हैं, बढ़ती उम्र में गिर रहे हैं। उसकी लड़की थी 24-25 साल की, उनके दांत निकल के गिरने शुरू हो जाते हैं। ये उन्हें डॉक्टर के पास लेके जाते हैं और डॉक्टर को दिखाते हैं, तो डॉक्टर बोलता है यार कोई आइडिया नहीं आ रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा, हम दवाइयाँ दे सकते हैं, हमें कुछ आइडिया नहीं है हो क्या रहा है, डिसीज हमने नहीं देखी। जहाँ अचानक से दांत झड़ने शुरू हो जाए, उनको उस चीज़ की दवाई दी जाती है। थोड़े दिन में जो मामी की लड़की होती है उनकी आँख, लड़की की आँख गलनी शुरू हो जाती है। आग गलते 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 थोड़े दिनों में उस लड़की की भी डेथ हो जाती है। बड़ी मामी जो होती है वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ को अफसोस में लेती है कि मेरे को इस चीज़ का इलाज करवाना है, ऐसे तो सारा वंश खत्म हो जाएगा। वो लोग इसी बारे में सोच रहे होते हैं। नाना इस बीच में क्या कर रहे हैं? नाना का कोई रोल नहीं है, नाना बस सब कुछ होते देख रहे। बोला था ना कि तेरे सामने सबको काटूंगा धीरे धीरे और तू खड़ा होकर देखेगा। फाइनली नाना की बारी आती है। अब क्या हुआ, नाना वहाँ पर कुछ कंस्ट्रक्शन का काम करवा रहे थे, बोलते घर बढ़वाएंगे हम अपना, फैमिली बड़ी हो रही है, बच्चे बच्चे हो रहे हैं, कि जो बच्चे हैं उनके तो हम कुछ नाम करवा दें। तो वसीम दिल्ली में था, ये बात है 2023 की। वसीम के पास कॉल आता है कि नाना दीवार बनवा रहे थे, दीवार में कुछ सामान पकड़ाने के लिए वो ऊपर चढ़े और नाना ने बोला किसी चीज़ ने नाना को ऊपर से ही खींच लिया और नाना का लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड वाला हाथ पूरा फ्रैक्चर हो चुका है, जिसमें मल्टीपल कट्स आए हैं, मतलब जो फ्रैक्चर हुआ मल्टीपल फ्रैक्चर हुआ है। तो नाना उस एज में थे जो वो रिकवर कर ही नहीं पा रहे थे। तो वसीम पहुंचते अपने नाना के पास और नाना से बात करते हैं। तो नाना वसीम को बोलते कि बेटा देख, अब सब कुछ तेरे हाथ में है, सबसे छोटे वाला जो मामा बचा है उसे थोड़ा सा बचा के रखियो, उसके उसका वो ना बहुत शरारती है शुरू से। तो वसीम बोलता है हाँ नाना जी मैं ध्यान रखूंगा, आप इतना मत सोचो, डॉक्टर ने दवाई दी है, आपका ट्रीटमेंट होगा, आप ठीक हो जाओगे। नाना बोलते हैं कि वो इंसान जो 2013 से अभी तक था, 2013 से 2023 तक 10 साल हो गए, वो अभी भी यहीं है, वो गया नहीं है, वो हमारे पूरे परिवार को ख़त्म कर रहा है, तुम लोग अपना ध्यान रखना। तो वसीम बोलते ठीक है मैं एक बार फ्रेश होकर आता हूँ। वसीम को बहुत तेज टॉयलेट आ रहा था। तो नाना भी बोलते ठीक है बेटे एक काम करिए, टॉयलेट करके आइए, मुझे तेरे से बहुत सारी बातें करनी है। वसीम टॉयलेट करने जाता है, वापस आता है तो उसे मामी वगैरह रोक लेती है। खाना खा के वसीम के दिमाग से निकल जाती है नाना से बात करनी और वो सोने के लिए चला जाता है। सुबह 6 बजे जो बड़ी मामी थी वो घर में हाहाकार मचाती कि नाना नहीं रहे। 5वीं डेथ। तो भाई यहाँ पे मेरे हिसाब से जो कर्ज है वो खत्म हो जाना चाहिए। नहीं, क्योंकि उन्होंने कहा था ना कि आप सबको मरते हुए देखोगे, सबसे लास्ट में आप मरोगे, तो आई थिंक वो मर देखो तो। उन्होंने ये नहीं कहा था कि आप देखोगे और सबसे लास्ट में मरोगे तो कर्ज खत्म हो जाएगा। जब जिसकी उम्र आनी है, जैसे मान लो नाना 2 साल में मरने वाले हैं और मुझे लग रहा है कि ये तो सुकून की मौत मर जाएगा, इसे दर्द दे के मार रहा दर्द दे के। अब क्या हुआ, बड़ी मामी ने अनाउंस करा कि 6 बजे सुबह की ऐसे नाना जी नहीं रहे। वसीम आके देखते हैं तो वसीम ने देखा भाई नाना जी नहीं रहे, और वसीम को बहुत ज़्यादा अफसोस हो रहा था कि नाना ने कहा था तेरे से मेरे को बात करनी है, मैं वहाँ पे खाना खा के सो गया, मैं आखिरी बार उनसे बात भी नहीं कर पाया। ये सब हुआ, 13वीं गुजरी, वसीम दिल्ली में वापस आ गया। अब क्या हुआ, वसीम को सब ने बाद में बताया कि उस जो बड़ी मामी थी ना उन्होंने इस चीज़ पे ज़ोर ज़बरदस्ती की कि मेरे को इसका हल करना है। तो कोई उनके नोन में बहुत उनके दूर के चाचा जी थे जिनको फ़ोन करा गया, वो इसमें बहुत महारत थे,
सिद्धियों में, उनको बुलाया गया। तो उन्होंने घर देखा और घर देखते बोलते हैं कि ये चीज़ यहाँ 2013 से है और तुम्हारे पूरे परिवार को ख़त्म कर रही है और ये चीज़ रुकने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। तो उन्होंने बोला मैं एक दो दिन बाद आऊँगा अपने साथ 4 तांत्रिकों को लेके, जो सिद्ध तांत्रिक होंगे, बहुत एक्सट्रीम पावरफुल तांत्रिक होंगे। तो बड़ी मामी बोलती है ठीक है लेकिन थोड़ा जल्दी करना है, कब पता अगला नंबर किसका आ जाए। अब यहाँ पे एक जो सस्पेंस चीज चल रही है ना कि वो जो स्पिरिट है, जो एंटिटी है, वो किसी के शरीर में ऑलरेडी रह रही है, फैमिली में से रह रही है, लेकिन ये नहीं पता वो रह किसके शरीर में रही है, कि है किसके में वो। तो उन फैमिली में से कोई भी ऐसा पर्सन नहीं जो थोड़ा सा अननेचुरल बिहेव कर रहा हो ताकि पता लग जाए, पकड़ में ही नहीं आ रहा। स्पिरिट सबसे ज्यादा एंटिटी क्या है, अपने आप को छुपाने में एक्सपर्ट है ना। क्या वो इंटरचेंज करती जा रही थी? इंटरचेंज भी हो रही है। तो क्या हुआ, उनको ये नहीं पता अब किसके शरीर में रह रही है। तो 2 दिन बाद वो जो चाचा जी थे वो अपने साथ 4 तांत्रिकों को लेकर आते हैं। अभी अपना यज्ञ हवन वगैरह सब कुछ कुंड लगाते हैं और जैसे ही आहुति मारना शुरू करते हैं, अब ये वेट कर रहे होते कि अब आएगी किसके अंदर, पता लग जाएगा किसके अंदर। यस, तो वो निकल के आती है सबसे बड़ी मामी के अंदर ही, जो अभी तक सब कुछ देख रही थी, जिसने अपनी बच्ची भी मरती देखी, जिन्होंने शायद वसीम को रोक लिया इस तरीके से मान सकते हैं कि हाँ हो सकता है वसीम, हाँ वसीम को रोका उन्होंने खाना खाने के लिए कि रुक जाओ खाना खा लो ताकि नाना से ना मिल पाए। हाँ। तो क्या हुआ, बड़ी मामी के अंदर एकदम से पोजेशन आना स्टार्ट हो गया। उन्होंने भाई साहब हवन कुंड में हाथ मारने शुरू कर दिए, उनको मामी जी जो थे उनको चारों बंदों ने लगाया जमीन पे, और फिर जो चाचा जी थे उन्होंने बोले कि तू क्या चाहता है, अब बता तेरा अंतिम वक्त आ गया। तो वो पता क्या बोला कि मैंने बोला था ना इस वंश को खत्म कर दूंगा, मैं पूरे इस परिवार को खत्म करूंगा और जो जो मेरे बीच में आएगा सबको मारूंगा, सबको, मतलब तू बीच में आएगा तेरे को भी नहीं छोड़ूंगा। तांत्रिक को भी नहीं छोड़ूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा। लेकिन चाचा जी के पास सिद्धि थी, 4 तांत्रिक भी साथ में थे, तो उस पर काफी मंत्र वंत्र मार के उस बॉडी के साथ बांध दिया गया था मामी जी के साथ। अब बात ये चल रही है कि भाई इसे इसका पहले तो इससे पूछा जाए ना कि तू क्यों आया क्या आया, तो वो साफ बता देता है कि मेरे को किसी और काम के लिए छोड़ा गया था, इसके नाना खाए जो नाना जी थे वो तुर्रम खा बन के अपने साथ मेरे को लेके आ गए, ये सोचे बिना कि जब मेरा अधूरा काम नहीं होगा तो मैं और लंबे टाइम के लिए बंध जाऊंगा। उसको तो भाई दिया गया ना, क्या पता उसको किसी तांत्रिक ने ये बोल के छोड़ा हो कि तू जा तेरा आखिरी काम है, इसके बाद तेरे को फ्री कर दूंगा मैं। बांध दिया उसे, बोला मैंने सबको मारा। तो एकदम से चाचा जी बोलते हैं कि तूने 5 लोगों को मारा, तेरे को शर्म नहीं आई, तूने पूरा वंश खत्म कर दिया। बोला मैंने 5 जनों को नहीं मारा, मैंने 4 जनों को मारा है। बोलते हैं कैसे? बोलता है सबसे पहले मैंने उस बच्ची को मारा, उसके बाद मैंने मामा को मारा जो जेल में मरा था। हाँ। मामी को उसने नहीं मारा था, मामी लगाई थी, खुद से लगाई थी उसने, वो मामा जी से कुछ तंग थी जिस वजह से उसने फांसी लगाई थी। उसके बाद कौन मरा था? नाना जी मरे थे, और नाना जी से पहले मामी की लड़की मरी थी जिसकी आंख गल गई थी, दांत झड़ गए थे, मैंने 4 जनों को मारा है। तो चलो पता चलता है भाई कि ऐसे ऐसे जो है 4 जनों को मारा, एक लड़की खुद मरी थी। अब बोलते कि तू ये बता इस शरीर को छोड़ने का क्या लेगा? बोला मैं इस शरीर को छोड़ूंगा क्यों, अभी तो मुझे पूरा वंश खत्म करना है। जब वो अपना पूरा पावर लगा देते हैं और उस चीज को एंटिटी को दिख जाता है कि ये मेरे को भस्म कर देंगे, मेरे को कहीं मुक्त नहीं हो पाऊंगा, कहीं बंद कर देंगे, कोई मिल गया, अब भाई इसे भी शेर पे सवा शेर मिल गया कि 5 लोग मिलके इसके ऊपर काम कर रहे हैं, तो ये बोलता है काम करो मैं इस परिवार को छोड़ दूंगा, मेरे लिए मार्केट से अभी की अभी 4 मुर्गियां मंगवाओ, उनकी गर्दन कटवाओ, और जो घर है ना उसके चारों कोनों में उनका रक्त डालो, उसको मैं चाटूंगा और मुझे उसे स्वाद मिलेगा। उन 4 मुर्गियों को मंगवाया जाता है, चारों को काट दिया जाता है, चारों को चारों तरफ रखा जाता है, जब रखते हैं खून गिरते हैं थोड़ी देर में ऐसा लगता है कोई सारा चाट गया उस खून को घर के अंदर। तो वो मतलब उस टाइम जो ये काम था ये मामी के शरीर में रहकर नहीं किया, ये मामी के शरीर में नहीं करा, मामी तो साइड में पड़ी हुई है, वो बाहर आ गए और वो अपने अपनी तरफ से अब कर रहे हैं क्योंकि जाने का टाइम हो गया, दिख नहीं रहा वो, बस खून गायब हो रहा है, वो आवाज आती है इन चीजों की जैसे छनछन की आवाज आती है ना। उसके बाद क्या हुआ, फिर बोले आप क्या चाहिए? बोलता मुझे मीठा चाहिए, काफी टाइम से मैंने मीठा नहीं खाया, गुलाब जामुन मंगवाओ, जितने भी गुलाब जामुन एक बाउल में आ सकते हैं उसे लेके आते हैं, घर के बीचों बीच रखते हैं, उनके साथ क्या होता है उनके अंदर की सारी चाशनी गायब हो जाती है, जैसे वो नहीं होता बिल्कुल पत्थर जैसे हो गए, जैसे स्पंज होता है, सिकुड़ गई, हाँ, सारी चाशनी गायब हो जाती है। उसके बाद वो उस परिवार को छोड़ के निकलते हैं। तो भाई फाइनली 4 मुर्गी 4 मर्डर कहूंगा मैं, इसको आप काउंट कर सकते हो, 4 मुर्गी 4 मर्डर और गुलाब जामुन। झारखंड का केस है 2013 से लेकर 23 तक। उससे बोला गया कि तू
मतलब कैसे रह पा रहा है, इसको निकाल जब नहीं पा रहे थे तो बोला कि 10 साल से रह रहा हूँ मैं इस घर में, ये मेरा खुद का घर बन चुका है, मेरा वास है इस घर में। और वो तो भगवान की दया से उनको ऐसे लोग मिल गए जो निकाल दिया। लेकिन वसीम ने जो आखिरी में बोला ना, अगर आपको रिकॉर्डिंग चाहिए हो तो मेरे से ले लेना, वसीम ने आखिरी में ये बोला कि भाई अगर नाना थोड़ा सा देख के रखते तो शायद हम अपने इतने सारे लोगों को खो नहीं देते। नाना मतलब, अच्छा इसमें एक छोटी सी बात मिस हो गई कि जब उससे पूछा गया था कि इतने सारे लोगों को नुकसान करा गया, तो उस प्रेत ने वसीम के बारे में ही बताया था, बोला कि वसीम जब वॉशरूम में गया था मैंने उसके भी पैर खींचे थे। उसको मारा क्यों नहीं? उसको मारा इसलिए नहीं क्योंकि पितर बचा गए उसे। अच्छा, जो नाना नानी थे ना वो कहीं ना कहीं वसीम को बचा गए, वरना वसीम भी उसी दिन उस आत्मा ने ट्राई क्या किया था, इसके पैर खींच के इसका मुंह देके मारना जमीन पे। लेकिन हुआ क्या, पैर खींचे ना तो एकदम से उस आत्मा को पकड़ लिया और वसीम वहीं बेहोश हो गया, गिर के रह गया। नहीं तो लंबी चलनी थी चीजें। अब यहाँ पे अगर वसीम खत्म हो जाते तो वसीम ही थे जो नाना जी की सिद्धि को आगे ले जाने वाले थे। अब वसीम उन सब चीजों से मुक्त हो चुके हैं और उनका ऐसा कोई मानना नहीं है कि उनके अंदर कोई सिद्धि है, क्योंकि कहाँ हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ। और फिर मेरे को नहीं लगता कि मैं वसीम को डिस्टर्ब करूँ आगे पूछने में, क्योंकि ऑलरेडी घर में इतनी सारी मौतें हो गई है। तो वो जो रिकॉर्डिंग मेरे पास आई थी मैं तो सुन रहा था, तो मैं जब चीजें सुन रहा होता हूँ, कुछ बना रहा होता हूँ, नोट्स वगैरह प्रिपेयर कर रहा होता हूँ, तो मेरे को भी लगता है किसको डिस्टर्ब करा जा सकता है और किसको नहीं करा जा सकता। जिसके घर में ऑलरेडी 4-5 मौतें हो चुकी हैं, उससे ये बोलना अच्छा फिर आप कैसे हो, घर परिवार कैसे चल रहा है, और कुछ हुआ नहीं हुआ, मैं उसे नहीं कह रहा। उन्होंने जितना मुझे बताया मैंने उतना सुन लिया और वो आपके सामने प्रेजेंट कर दिया। जी भाई, ये तो मैं कहूंगा वन ऑफ द लेटेस्ट स्टोरी होगी, रियल स्टोरी। ये अभी तक कहीं नहीं है और ये अभी 2023-24 के अंदर हुई है, तो आप सोच लो इससे ज्यादा लेटेस्ट क्या ही होगी। जी भाई, इसमें भाई काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें जो हमें सोचने में मजबूर कर देती हैं। बिल्कुल, बट इस दुनिया में ना इनसे भी बढ़कर कुछ चीज़ें, बिल्कुल है ना। तो मैं चाहूँगा कि कुछ और भी आप कुछ बताएं, कोई इंसिडेंट। अभी 2 दिन पहले मेरे पास एक चंडीगढ़ से एक लड़की का मैसेज आता है कि मुझे आपसे बात करनी है, ऐसा ना हो आपसे बात करने से पहले मैं सुसाइड कर लूँ। मैं तो भाई ये सारी चीजें ना ऐसे होता है कि ठीक है चल रही है, मेरे पास आ रही है, ठीक है। आपको भाई ये चीजें अब तो नॉर्मल लगती होंगी? बिल्कुल, अब तो नॉर्मल ही लगती है मेरे को। अच्छा, आपको कभी लगता है कि यार इस केस पे मेरे को प्रायोरिटी देनी चाहिए? देखो मैं पता ही क्या कहता हूँ कि जैसे अगर मैंने इंस्टाग्राम पे बोल दिया कि अगर आपका बिजनेस में लॉस हो रहा हो या फिर आप इन चीज़ों से परेशान हो तो हम चीज़ों पे काम करते हैं, मेरे पास डेली के 100-200 मैसेजेस आते हैं। जनता इस चीज़ से परेशान भी रहती है कि मैं सबको अटेंड नहीं कर पाता। हमारे भी टीम मेंबर हैं, हर किसी को रिस्पॉन्ड नहीं कर पाते, चीज़ें चलती हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि प्रायोरिटी पे किसे रखना है नहीं रखना। मुझे ये लगता है कि जैसे भगवान डायरेक्शन देते हैं, अगर कोई ज़्यादा परेशान होगा मेरे से वो मैसेज अपने आप खुल जाएगा। मैं इस चीज़ को मानता हूँ। बोलते हैं ना कि अगर आप वैष्णो देवी जा रहे हो तो आप नहीं जा रहे, वो बुलावा है। तो अगर कभी कभार ऐसा होता है कोई बहुत ज़्यादा परेशान है, मेरे से एकदम से खुल गया, मैंने देख लिया, टीम ने मुझे फॉरवर्ड कर दिया, तो वो एक आदेश मिल रहा है, डायरेक्शन मिल रही है जो बाबा जी दे रहे हैं, हमारे भगवान दे रहे हैं, तो वो मैं मान लेता हूँ उस चीज़ को। जी भाई, तो क्या हुआ चंडीगढ़ में? चंडीगढ़ में एक लड़की थी, उन्होंने बोला कि उनकी एज मेरे ख्याल से अभी 19 है, उनका नाम मैं नहीं डिस्क्लोज करना चाहूँगा। उन्होंने बोला कि जब वो 16-17 साल की थी ना, आज से 4-5 साल पहले, वो बैंगलोर गई थी काम करने के लिए। चंडीगढ़ में उनकी फैमिली है, उनके भाई बहन है, तो वो बहुत एक ऐसी फाइनेंशियल बैकग्राउंड से थे जहाँ पर पैसों की बहुत ज़रूरत थी। तो उस लड़की को मेकअप आर्टिस्ट बनना था और किसी ने बैंगलोर से उन्हें बुलाया, रिलेटिव ने, कि तुम हमारे यहाँ पे आ जाओ। उनका सैलून था वहाँ पे, जिस सैलून में वो गई वहाँ पर बैंगलोर में, वहाँ पर उनको एक और लड़की मिली जो एज में बड़ी होती है ना, ब्यूटिशियन जो उनको सिखा रही होती है। तो वो ब्यूटिशियन क्या करती हैं, उनकी फैमिली मेंबर जिन्होंने बुलाया था रिलेटिव के लिए, इतना भड़का देती कि तू जितना कमाती है उतना तुझे नहीं देते, तेरी फैमिली को तुझे सपोर्ट करना है, तू मेरे साथ शिफ्ट हो जा, तू क्यों इनके साथ रह रही है, मेरे बाहर भी दूसरे प्रोजेक्ट चलते हैं, वहाँ से तू कमा लेगी। अब मुझे लगा ये ना सब कुछ कन्विंस करने के लिए कर रही थी, लेकिन बिलीव मी उस फीमेल के सही में बाहर प्रोजेक्ट चल रहे थे। मतलब मैं जब सोचता हूँ ना कि मुझे नहीं पता था कि ये जो मेकअप आर्टिस्ट होते हैं इन्हें सही में एक एक मेकअप के 50,000-50,000 रुपये मिलते हैं। उस लड़की ने मुझे बताया, मुझे भी नहीं पता भाई। हाँ, उस लड़की ने मुझे बताया कि अक्षय सर ऐसा होता है कि मेकअप आर्टिस्ट जो होते हैं वो मेकअप के 1,50,000-50,000 रुपये उठाते हैं एक पार्टी से। उसने 17 से 18 साल की लड़की ने ना कम से कम 3 से 4 महीने में 4 लाख रुपये जोड़ लिए थे। हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, बड़ी बात है, ठीक है कि हम जिस उम्र में वो थी 16-17 में पैसे कमाने के चक्कर में इतना उसने दौड़ भाग की अपने परिवार के लिए।
लेकिन अब जब आगे चीजें चेंज होती जाती हैं, यहाँ तक तो मैं था यार कितना बढ़िया करा कितना बढ़िया करा, फिर उसने बताया कि बैंगलोर में जिस लड़की के साथ मैं मूव हो गई थी ना, उसने ना एक बार मेरे लिए कुछ मिठाई मंगवाई। मिठाई कैसे, जैसे उसने दो डब्बे मंगवाए, तो हम दोस्त भी होते हैं ना, जैसे एक तरफ कोका कोला रखी एक तरफ पेप्सी रखी है, तो मैं बोलूंगा भाई तू कोक पीता है मैं पेप्सी पीता हूँ, तू मेरी नहीं छेड़ेगा मैं तेरी नहीं छेड़ूंगा। उस लड़की ने दो तरीके की मिठाई मंगवाई और अंदर गई यूं कह के कि मैं भोग लगाने जा रही हूँ, बाहर लेके आई उस मिठाई को और बोला कि सुन तू ये वाली खाएगी इसमें ज्यादा मीठा है, मैं नहीं खाऊंगी तू मेरी वाली को मत छुइयो। तो लड़की ने बोल दिया ठीक है भाई मेरी पसंद की मिठाई आ रखी है मैं वो खाऊंगा। कुछ लोग मीठा खाना पसंद करते हैं, कुछ चरचरा खाना पसंद करते हैं। तो वो जो लड़की थी उसने अपनी मिठाई खाई और उस दिन के बाद उसके साथ क्या होता था, उस दिन के बाद जो दूसरी लड़की बोलती थी ना वही ये करती थी। इन द सेंस इसे कैसे पता चला, इसे उस टाइम तो पता ही नहीं चला, एक तरह का वशीकरण बोल सकते हैं इसे। लेकिन जो आगे आगे आप सुनोगे ना आप हैरान होते चले जाओगे कि इतना वशीकरण। इस लड़की ने बताया कि ऐसा हो गया धीरे धीरे, वो जो लड़की थी ना जो दूसरी ब्यूटिशियन थी जिसने इसे मिठाई दी थी, वो बोलती थी इसे कि एक काम कर मेरे लिए ना रात के 12 बज रहे हैं, एक काम कर मेरे लिए कुछ खाने को बना दे। ये लड़की उसे मना नहीं कर पा रही, इसे खाना बनाना नहीं आता, लेकिन ये क्या कर रही है YouTube खोल के कुछ रेसिपी देख रही है, ऐसे देख रही है वैसे देख रही है, और उसके लिए खाना बना के लेके गई, उसमें कुछ ढंग से नहीं बना, रखे 5 थप्पड़ मुंह पे। जब उस लड़की ने थप्पड़ मार दिए तो ये लड़की खड़ी होकर देख रही है कि मेरे थप्पड़ मार दिए। उस लड़की ने एक सेकंड में बोल दिया अरे यार सॉरी मैंने तुझे थप्पड़ मार दिए। तो जो लड़की जब बना के लेके आई हो कोई नहीं दीदी कोई नहीं आप मेरे ही तो। लेकिन भाई वही लड़की वो आपको स्टोरी बता रही है फिर। बिल्कुल, तो यानी उनका क्योर मिल गया होगा तभी बता रही है। अभी आगे चलते हैं ना भाई, सस्पेंस को यहीं कैसे खत्म कर दें। तो क्या हुआ थप्पड़ मारे तो वो लड़की बता रही है कि एक सेकंड में कोई नहीं दीदी आपने भी मारा है आप तो मेरे ही हो। और उसे ये सब पता है कि क्या हो रहा है। बताता हूँ ये धीरे धीरे सुनो ना। बताओ यार। अब क्या हुआ बात आगे बढ़ती है, तो वो जो ब्यूटिशियन थी ना वो अपने बॉयफ्रेंड को बुलाती है, उनके बीच में इंटीमेसी होता है। तो जब वो इंटीमेट हो रहे थे ये लड़की उनके गेट के बाहर खड़ी रहती है द्वारपाल की तरह। वो अचानक से बोलती है ना कि सुन पानी लाइयो, ये फटाफट से किचन में जाके उनके लिए गेट खोल के दीदी पानी आपने पानी मंगवाया था, पानी दे दिया फिर खड़ी हो गई। तो एक दिन इस लड़की ने देखा कि एक दिन ना उस ब्यूटिशियन की और उसके बॉयफ्रेंड की लड़ाई हो रही थी कि हम आपस में ब्रेकअप कर लेते हैं ये वो। तो वो जो ब्यूटिशियन थी वो पता क्या बोलती है, ये मेरे से ब्रेकअप करेगा, उसने अपने पर्सनल जो प्राइवेट पार्ट होते हैं ना वहाँ के बाल काट के इसके सामने गैस पर उसे जलाया, उसकी राख बनाई, अपने बॉयफ्रेंड को मिलने के लिए बुलाया और उसे कोल्ड ड्रिंक में पिला दिया। यहाँ से उसे थोड़ा बहुत अनुमान लगने लगा कि मेरे साथ भी तो कुछ ऐसा नहीं हो रहा है। लेकिन बोलते हैं ना कि ये चीज़ें वो भूलती जाती थी घंटों के हिसाब से भूलती जाती थी। उसका बॉयफ्रेंड फिर दोबारा उसका आदेश मानना शुरू कि हाँ बेबी क्या चाहिए, बोलती है काम करो आज एक ना मेरे लिए मैं कालू टिक्की लिया ये लिया वो लिया दुनिया भर का सामान मंगा लिया खा लिया आराम से, और बॉयफ्रेंड पूरा कब्जे में। अब ये लड़की वहीं पर रह रही है, पैसे भी कमा रही है, सब कुछ सही चल रहा है, सलोन भी जाते हैं, लेकिन इस लड़की को वो जो ब्यूटिशियन अकेला नहीं छोड़ती कभी कि कभी दुकान पे से छोड़ दिया कुछ करने छोड़ दिया। और जब भी छोड़ती थी ना, जैसे मान लो नीचे से काम कर सामान लेके आ जा, तो ये उस दुकान पे जा रही है तो दुकान वाला बोला बेटा आपको पहले नहीं देखा आप कहाँ रहते हो, तो पता क्या जवाब देती थी, वो तो दीदी बताएंगी आपको मैं नहीं बता सकती। अरे सब्जी वाले के पास गई, सब्जी वाला बेटा कितने क्या लेना है, नींबू मंगाए कितने के हैं 40 रुपये, ठीक है मैं दीदी से पूछ के बताती हूँ, फोन मिला दिया। मतलब खुद के डिसीजन है ही नहीं, पूरी कमांड दीदी का, पूरा दीदी का, दीदी जो भी बोलेंगी वही होगा। इसके बाद क्या हुआ, वो बॉयफ्रेंड वाला सीन इसने अपनी आंखों से देख लिया था। धीरे धीरे चीजें बढ़ रही हैं। एक दिन क्या हुआ, एक लड़का आ रखा था उसके बॉयफ्रेंड के साथ, तो बॉयफ्रेंड जैसे बॉयफ्रेंड के साथ कोई लड़का आता है उसके दिमाग में आता है मेरी भी इससे बात हो जाए, तो वो लड़की उसे पसंद आ गई जो बैंगलोर आ रखी थी दीदी के साथ, तो वो उसको देख रहा था। तो क्या हुआ, ये बोलती है ब्यूटिशियन एक काम कर अंदर से जो खाना है ना वो सारा लेके आ जा हमारे गेस्ट आ रखे हैं। तो वो ये लेके आ रही थी, इसका पैर कहीं अड़ा होगा, छोटा सा एक कुरकुरे का जो पीस होता है वो उस लड़के के ऊपर जाके गिर गया, जो दूसरा लड़का आया। हाँ, दूसरा लड़का था। ये ब्यूटिशियन उठती है, इसकी गुद्दी पकड़ के 8 चाटे मारती है उसके सामने, सबके सामने, और गुस्से में एकदम से बोलती है कि सॉरी मैंने तुझे मारा, कोई नहीं दीदी आप मेरे ही तो। उस लड़के को लगा होगा भाई क्या चल रहा है, लड़के को लगा एकदम से ये क्या हुआ। लड़का उसे साइड में लेके आया,
बोला आप ऐसे सहन कैसे कर रहे हो, या आपको मार रही है? बोली मेरी तो दीदी है, मैं इन्हीं के साथ रहती हूँ, क्या हुआ? मेरी बड़ी दीदी है, मुझे मार दिया तो क्या हुआ? अब इन बिटवीन क्या हुआ, दिवाली आई, तो दिवाली में घर वालों का फोन आया कि तू घर आ जा, बैंगलोर में रह रही है, चंडीगढ़ पंजाब तो तू भूल ही गई जहाँ से तू आई है। वह घर वालों को बोली मैं नहीं आऊँगी, मैं तो दीदी के साथ ही रहूँगी, मैं तो दीदी के साथ ही रहूँगी। अब बोले अच्छा बेटा घर में कुछ पैसे तो भेज दे, अभी दीदी ने मुझे नहीं बोला पैसे देने के लिए, मैं जब बोलेंगी तब दूंगी। तो दीदी ने घर वालों की भी नहीं सुन रही है, घर कुछ वालों भी से नहीं, डिस्कनेक्टेड, बिल्कुल डिस्कनेक्टेड। तो घर वालों को कभी शक नहीं हुआ इस बारे में? पहले घर वालों के पास पैसे आ रहे थे जब तक उस ब्यूटी पार्लर में काम कर रही थी, जब से इसके पास शिफ्ट हुई थी तब से होता है भाई, लगता है कभी कभार घर वालों को, सीजन चल रहा है नहीं चल रहा है, कमा पा रहे नहीं कमा पा रहे, अपना गुजारा तो चल ही रहे हैं। तो क्या हुआ, अब ये लड़की बता रही है कि मुझे नहीं समझ में आ रहा, मैं अपनी वो जो ब्यूटिशियन है उसके लिए गोल्ड की रिंग बनवा रही हूँ, उसके लिए गले की चेन बनवा रही हूँ गोल्ड की, और वो जो जितने पैसे मुझसे मांगती है वो दे दिए। उसका जो भाई है ब्यूटिशियन का वो नशे कर रहा है, वो भी मुझसे पैसे मांग रहा है, मैं तो भी दे रही हूँ। उसकी मम्मी के लिए मैं कभी कोई गिफ्ट लेके चली गई, महंगी से महंगी साड़ियाँ, तब 12-12 हज़ार की, 15-15 हज़ार की। उसके पापा है वो मुझसे पैसे मांग रहे हैं, मैं दे रही हूँ। एट द एंड उसने क्या करा, अपने पास मुश्किल से 1 लाख रुपये बचाए, 3 लाख रुपये उसने ऐसे उड़ा दिए, ठीक है। लेकिन ये इंसिडेंट कम नहीं हो रहे, जैसे धीरे धीरे जो ब्लैक मैजिक की एक्टिविटीज है वो उसके साथ बढ़ती जा रही है, घर वालों से डिस्कनेक्टेड, अपना सब कुछ दे दिया। मैं ये सारी चीज़ें सुन रहा था, जब तक तो सुन रहा था तो मेरे दिमाग में क्रियोसिटी आ रही थी। फिर मैंने सोचा कि ना एक काम करता हूँ, इससे फ़ोन पे बात करता हूँ एक बार। तो एक वो सारी रिकॉर्डिंग आती है ना मेरे पास, एक तरफा रिकॉर्डिंग थी, इसमें बस मैं ये सोच रहा हूँ कि कोई चीज़ मैं भूल ना गया हूँ। जब सारी चीज़ें चल रही थी उसने सारा इंसिडेंट मेरे को बता दिया कि वो बैंगलोर से, हाँ फिर वापस कैसे आई वो ये बता देता हूँ एक बार, वो हुई कैसे फ्री। तो उसकी ना एक स्नैपचैट पे किसी लड़के से बात होनी शुरू हो गई थी उस लड़की की, और वो जो लड़की थी वो इतना ज़्यादा परेशान हो गई थी कि उसे कुछ याद नहीं रहता था। सबसे बड़ी दिक्कत ये थी, उसे कुछ याद नहीं रहता था। तो उन्हें उसे मतलब शक कैसे हुआ कि मेरे साथ कुछ हो रहा है? मैं बताता हूँ ना क्या हुआ, जैसे ही कुछ भी होता था ना वो 15-20 मिनट में सब भूल जाती थी कि मेरे साथ थप्पड़ मारे गए हैं मुझे, मेरे साथ ऐसा हुआ है वैसा हुआ है। तो स्नैपचैट पे इस लड़के एक लड़के से इसकी बात होती थी, ये क्या करती थी जब भी सब्जी वगैरह लेने निकलती थी तब उसको फ़ोन करती थी, उस लड़के को बताती थी दीदी ने मेरे साथ ऐसा करा, मुझे बस इतना याद है ऐसे करा वैसे करा। इन बिटवीन वो लड़की जितने भी साल रही ना वो मेकअप आर्टिस्ट में बहुत ज़्यादा स्किल्ड हो गई थी, बहुत ज़्यादा स्किल्ड, मतलब अगर उसे कोई भी काम देगा ना वो सेलिब्रिटी को भी इम्प्रेस कर सकती है। तो वो जो स्नैपचैट वाला लड़का वो बोलता है कि तू एक काम कर, तू वहाँ से ना चली जा, अगर तू सही में मेरे से प्यार करती है ना तू चली जा। तो ये लड़की आती है, इसे पता नहीं क्या सूझता है भाई, ये उस ब्यूटिशियन को उस लड़के के बारे में बता देती है कि ऐसे ऐसे स्नैपचैट पे मिला था और वो मुझे बोल रहा है कि मैं आपको छोड़ दूँ। तो वो जो उसकी दीदी होती है ब्यूटिशियन वो बोलती है सुन इस लड़के से ना आज के बाद बात मत करियो। एक हफ्ता वो लड़का इससे कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करता है, ये क्या करती है उससे बात ही नहीं करती। फिर बहुत ज़्यादा परेशान हो गई है, सारा पैसा उड़ा दिया है, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। फिर एक दिन नीचे सामान लेने उतरती है तो स्नैपचैट पे उसका कॉल आ रहा होता है बैक टू बैक, कम से कम नहीं तो 300-400 मिस कॉल पड़ी होती है हफ्ते के अंदर। ये उठाती है बोलती क्या हुआ, बोलते है कि तुम एक हफ्ते से मुझसे बात नहीं कर रही हो। बोलती है क्या सही में, मिस कॉल देखते धड़ाधड़ मिस कॉल सब भूल गई है, एकदम से सेंसेस में आती है। तो वो लड़का बोलता है कि सुन मैं तेरे हाथ जोड़ रहा हूँ, कुछ भी बहाना मार के उस घर से निकल जा। ये लड़की एक स्पार्क आता है इसके अंदर, जैसे बोलते हैं ना भगवान ने थोड़ी बुद्धि दी, ये जाके बोलते दीदी दीदी मेरी छोटी बहन की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, मैं घर जा रही हूँ प्लीज़ मुझे रोकना मत। फर्स्ट टाइम वो ऐसा कुछ नहीं बोलती है, बैग उठा के उसके पास से निकल जाती है। अब ये लड़की घर आती है वापस, घर आने के बाद इसने बताया कि मेरा शरीर ऐसा हो गया जैसे मैं पिछले 2-3 साल से ना 24 घंटे काम कर रही हूँ 24 घंटे। घर आने के बाद ये 6 महीने अपने घर पर रही और 6 महीने ये सोई है बस, सुबह उठी खाना खाया सो गई, शाम को उठी खाना खाया सो गई, कभी कभी तो 7-7 दिन इस लड़की ने कुछ नहीं खाया। मेरे को बोल रही है कि अक्षय सर आप बिलीव नहीं करोगे मैंने 4 दिन कुछ नहीं खाया, फिर मैंने सोचा एक दिन और नहीं खा के देखती हूँ मुझे भूख लगेगी नहीं लगी, नहीं लग रही भूख नहीं लग रही है। 7 दिन तक इसने कुछ नहीं खाया, फिर इसकी फैमिली वालों ने बोला तू पागल वागल हो गई है, धीरे धीरे इसका खाना शुरू करवाया कैसे ना कैसे चीज़ें, जूस कभी बिस्किट्स हो गए कभी चाय हो गई ये हो गया। लेकिन घर में जो है ना बहुत ज्यादा इनका आर्गुमेंट होना स्टार्ट हो गया, जैसे दीदी का कॉल आता था, इन बिटवीन दीदी का कॉल आता भी था ये नहीं उठाती थी, क्योंकि वो जो स्नैपचैट वाला लड़का था उसने पूरा शील्ड बन के काम करता था तो नहीं उठाएगी। लेकिन इसने जो बताया ना क्या होता था, इसको ना आवाज सुनाई देती थी अलग अलग टाइप की, जैसे अचानक से इसके पास कोई ऑर्डर दे रहा है इसे तू वापिस आ जा तू वापिस आ जा, तो ये उसे फाइट बैक कर रही है नहीं मैं नहीं आऊंगी
मैं नहीं आऊँगी, और अपने बॉयफ्रेंड को बताती थी ऐसे ऐसे मुझे आवाज़ें आती है, बोलते इग्नोर कर। वो करवाती होगी वहाँ से कुछ विद्या वगैरह, तो इसके पास आती थी आवाज़ें और ये उस चीज़ को इग्नोर करती थी। अब क्या हुआ, धीरे 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 पैसों की दिक्कत आने लगी। 6 महीने बाद जो इसके पास पैसे बचे थे 60-70 हज़ार रह गए थे, 1 लाख रुपए थे, 30-40 फिर खर्च हो गए। इसने सोचा मुझे बैंगलोर वापस जाना चाहिए, लेकिन इस बार दीदी के पास नहीं, इस बार काम करने के लिए। तो ये एक कहीं से नोन टू से सलोन से नंबर निकलवाती है बैंगलोर में और उनसे बात करती है। मैं उनके पास रिलेटिव के पास काम करती थी, उनसे तो बिगड़ गई, आप मुझे रख लो। तो बोलते कोई नहीं आप आ जाओ हमारे पास काम कर लेना। ये बैंगलोर वापिस जाती है, ये वापिस जाती है, दीदी से डिसकनेक्टेड है, ठीक है। दीदी से डिसकनेक्टेड होने के बाद जिस भी सलोन में काम कर रही है ना, वो बोलते हैं चलो ये आज हमारे क्लाइंट आए हैं, इनका मेकअप करके दिखाओ, ठीक है। भाई मुझे क्या लग रहा है कि शायद दीदी का कुछ कनेक्शन यहाँ पे निकलने वाला है। देखो अभी देखते हैं आगे क्या हुआ। तो वो बोलती है कि ऐसे ऐसे ये है, क्लाइंट आई है, पहले इनको आपको डील करना है। ये लड़की अपनी ब्रश वगैरह लेके खड़ी होती है और उसको देख रहे क्लाइंट को, ये भूल गई से करना क्या है, जिस चीज़ में सबसे ज़्यादा स्किल्ड है ये वही भूल गई करना क्या है। ये बोल रही है कि दीदी मुझे याद नहीं है क्या करना है, हाथ में ब्रश है, सारी चीज़ें मुझे करना है क्या पता नहीं है। उसे बोलते कोई नहीं तुम बैठ जाओ मैं कर लेती हूँ। वो करती रहती है, लड़की सोच में पड़ जाती है कि मैं जो अभी तक करती आ रही थी मुझे वो भी याद नहीं है। इसे पैसे का हिसाब का नहीं पता, इसे इसके घर परिवार का नहीं पता, कुछ नहीं पता, जो ये सीख रही थी कर रही थी सब भूल गई। अब इसके दिमाग में कुछ भी नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं है। इसने क्या करा, फिर दोबारा उस दीदी को फ़ोन मिला दिया, उसको फ़ोन करा कि ऐसे ऐसे मैं वापस आ गई हूँ। तो बोलती है कि तू इतने टाइम से मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रही थी। बोलती है कि मैं फ़ोन इसलिए नहीं उठा पा रही थी क्योंकि घर में दीदी छोटी बहन की तबीयत बहुत ख़राब थी, फ़ोन वहीं रहता था, हम हॉस्पिटल में रहते थे। ये बोलते कोई नहीं तो फ्लैट में वापस आ जाए। ये उसके दीदी के पास दोबारा चली जाती है। वहाँ पे जाने के बाद अब दोबारा नया गेम स्टार्ट होता है। अब ये क्या करती है, उस लड़की को स्टफ़ टॉय की तरह यूज़ करती है कि तू एक काम कर, उस बंदे से बात कर इंस्टाग्राम पे, इस बंदे से काम कर और इससे पैसे निकलवा। इसने एक आर्मी वाले से 3 लाख रुपये निकलवाए इस लड़की ने, उसके बोलने पर हाथ नहीं लगाने देती थी, लेकिन उससे मिलने गई और आप कैसे हो कैसे हो कैसे नहीं हो, मुझे ना मेरी फैमिली में ऐसे ऐसे दिक्कत हो रही है, मैं आपके लिए चॉकलेट लाई हूँ, चॉकलेट में कुछ डाला हुआ है दीदी ने, ब्यूटिशियन ने, इसने उसको खिला दिया, उससे 3 लाख रुपए निकलवा लिए, किसी से 2 लाख रुपए निकलवा लिए, किसी ने 4 लाख रुपए निकलवा लिए। चल रही है अंत लेवल का वशीकरण चल रहा है। अब 2 दिन बाद मैंने सोचा कि मैं इससे बात करूं कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। उसने बोली कि मैं टाइम निकाल के ना बाहर आई हूँ, आप मुझे बताना, मैसेज करना, फिर मैं आपको आगे की बातें बताऊंगी। मैंने सोचा यार इसको ना बचाना चाहिए, कैसे ना कैसे कुछ ना कुछ करके बचाना चाहिए। मैंने उससे मैसेज करा 2 दिन बाद कि अगर आपके आसपास वो दीदी ना हो तो आप मुझसे बात करना। उस लड़की ने लिखा मैं शाम को 5 बजे निकल के आपसे बात करती हूँ। मैं शाम को 5 बजे प्रिपेयर बैठा हुआ क्योंकि मेरे नज़र में ये था कि इस लड़की को बचाना चाहिए। शाम को 5 बजे कॉल करता हूँ मैं, तो वो मार्केट में है लड़की, बोलती है कि हेलो। मैंने बोला बेटा आपने ऐसे ऐसे मुझे बताया था, बोलती है हाँ 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 हाँ। मैं बोला कि फिर आगे क्या करना है, बोली आप कौन। वापस से वही चीज़ें स्टार्ट हो चुकी हैं सब कुछ। मैंने बोला कोई नहीं बेटा आपको याद नहीं, आप समझ गए। मैं बोला कि कोई नहीं आप अपना ध्यान रखो। बोली पर आप हो कौन। मैं बोला आपने मुझे अपनी सारी रिकॉर्डिंग भेजी थी। बोली नहीं मैंने आपको नहीं भेजी, कौन हो आप। मैंने बोला आपने अक्षय वशिष्ठ का नाम सुने। बोली नहीं। मैं बोला कि आप कहाँ पर हो। बोली दीदी से पूछ के बताऊंगी।